राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर कई चर्चाओं ने सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं, तो वहीं इसी बीच वसुंधरा राजे के अलग पार्टी बनाए जाने की चर्चाओं ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि भाजपा में वसुंधरा राजे विरोधियों के आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने से वसुंधरा राजे के पास अब अपनी अलग पार्टी ही बनाने का विकल्प बचता है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व भी वसुंधरा विरोधी गुट को ही सक्रिय करने में जुटा हुआ है। वहीं वसुंधरा राजे की खामोशी भी लगातार अटकलों को हवा दे रही है। हाल ही में वसुंधरा के विरोधी रहे घनश्याम तिवाड़ी के भाजपा में दोबारा शामिल होने के बाद बीजेपी विधायक बिहारी लाल विश्नोई ने पूनिया को खत लिखकर कहा है कि जिस तरह से पार्टी में घनश्याम तिवाड़ी को शामिल किया गया है, उसी तरह देवी सिंह भाटी को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा सांसद मानवेंद्र सिंह, पूर्व सांसद सुभाष मेहरिया, पूर्व मंत्री राजकुमार रिनवा और सुरेंद्र गोयल जैसे वसुंधरा विरोधियों की वापसी की भी अटकलें तेज हो गई हैं। इसी बीच वसुंधरा राजे के ट्वीट को लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसे लेकर चर्चाएं इसलिए भी है क्योंकि इस ट्वीट में वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में एक महिला के जिला प्रमुख को महिला सशक्तिकरण की मिसाल बताया है। राजे ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज झालावाड़ की नवनिर्वाचित जिला प्रमुख श्रीमती प्रेम बाई दांगी जी के पदभार ग्रहण समारोह में वर्चुअली भाग लिया। मेरे लिए ये दोहरी खुशी का दिन है, क्योंकि एक तो यहाँ भाजपा का बोर्ड बना है तथा दूसरा प्रेम बाई जी ने जिला प्रमुख के रूप में शपथ लेकर महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश की है। राजे के ट्वीट को सूबे की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राज्य स्तर की राजनीति में वसुंधरा राजे ही सबसे बड़ी महिला चेहरा है। कुल मिलाकर भाजपा में वसुंधरा राजे के समानांतर फिलहाल कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव में अभी 3 साल का वक्त बाकी है, लिहाजा कहा जा रहा है कि भाजपा में वसुंधरा राजे के समानांतर एक चेहरे को खड़ा किए जाने की कवायद जोरों पर है। ऐसे में ना सिर्फ वसुंधरा विरोधियों की घर वापसी की जा रही है, बल्कि विरोधी गुट को भी एकजुट किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।